इलेक्ट्रिक वाहन का आगाज भारत में काफी देरी से हुआ। इस साल सरकार ने फेम टू स्कीम में सब्सिडी का ऐलान किया तो कुछ राज्यों ने भी सरकार के साथ ताल मिलाकर अपनी तरफ से भी सब्सिडी देने का ऐलान करके इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना आसान बना दिया। इन रियायतों के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि लोग भारी छूट के बावजूद इन्हें खरीदने का फैसला करेंगे। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई के सर्वे के मुताबिक इन दिक्कतों के होते हुए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए भारतीय कीमत से ज्यादा रकम चुकाने को तैयार हैं। सर्वे का दावा है कि भारत में 90% लोग ज्यादा रकम देकर भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं। 40% लोग तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 20% तक का प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं। 10 में से 3 भारतीय इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन से चलने वाली कार खरीदना चाहते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों को एक मजबूत सहारा नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अगले साल तक ग्लोबल लेवल पर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कंपनियों को ग्राहकों की पसंद और जरूरत का भी ख्याल रखना होगा। सर्वे में कहा गया है कि भारत के ज्यादातर लोगों को ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए जो फुल चार्ज करने पर करीब 160 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सके। सर्वे के मुताबिक लोग पर्यावरण के लिए भी जागरूक हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सबसे बड़ी वजह भी लोगों की सोच में पर्यावरण को लेकर हुआ बदलाव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की इच्छा जताने वाले 67% लोगों को ये लगता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल गाड़ी की वजह से जो प्रदूषण होता है उसे रोका जा सके। 69% को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद कर वो पर्यावरण का ख्याल रखने की अपनी सोच को धरातल पर उतार सकते हैं। पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक बनाने में लगी सामाजिक संस्थाएं इस बदलाव से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि उनकी मेहनत को ये सर्वे सफल साबित कर रहा है। जाहिर है कि पर्यावरण के ख्याल के साथ ही जेब को कटने से बचने का भी बेहतरीन जरिया इलेक्ट्रिक वाहन ही है। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई के इस सर्वे में 13 देशों ने 9000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। इसमें भारत के 1000 लोगों ने हिस्सा लिया।